हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारी कर्मचारियों को उनके संगठनों को परेशान करके रखी है, त्रस्त करके रखी है। घोषणा पत्र में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, क्रमोन्नति, पदोन्नति, चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान, नियमितीकरण, इस तरह के बड़े बड़े वादे किए। अब उन बड़े वादों को पूरा करने के बजाय उनसे ध्यान भटकाने के लिए कर्मचारी साथियों को डीए और एचआरए जैसे विषयों पर उलझा करके रखे हुए हैं। मोदी जी केंद्र के कर्मचारियों को 34% डीए दे रहे हैं, मगर भूपेश बघेल मात्र 22% डीए दे रहे हैं, 12% की कटौती कर रहे हैं। इसी तरह से एचआरए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, जबकि भूपेश बघेल छठवें वेतनमान के अनुसार दे रहे हैं। इस तरह से बड़े अन्याय किया जा रहा है। 1958 में डीए की व्यवस्था लागू हुई थी, तब से लेकर आज तक 7 दिन तक कर्मचारी संगठनों को डीए जैसे बेसिक मांग के लिए कार्यालयों को ठप करना नहीं पड़ा था, लेकिन आज भूपेश बघेल के समय में करना पड़ रहा है। डीए एचआरए जैसे बेसिक मांग जो कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों की तरह होते हैं, उस पर उलझा कर रखा गया है, ताकि बड़े मांगों तक कर्मचारी संगठनों की ऊर्जा, उनकी छुट्टी, उनके आंदोलन पहुंच ही ना पाए। इस तरह का एक बड़ा षड्यंत्र यह सरकार कर रही है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के एचआरए और डीए जैसे बेसिक मांगों का